राधे राधे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट 9 ऑफ योर टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। एंड द टॉपिक इज यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑफ कैटेगरिकल डाटा। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज इंसिडेंस, व्हाट इज प्रेवलेंस, रिस्क एंड रिलेटिव रिस्क फैक्टर्स, व्हाट आर दीज एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस all these points. So let's start with the definition of both the terms which we have given here. So what is incidence? First of all, so incidence kya hoga jab hum incidence ki baat karte hain, to incidence kya hoga hamare paas number of new cases, जो भी हमारे पास new cases होंगे किसके किसी भी disease के occurring के, okay, and बाय में नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क, पीपल एट रिस्क ड्यूरिंग गिवन टाइम। ठीक है, तो उस गिवन टाइम में, टाइम ड्यूरेशन में नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने होंगे। अब जैसे हम कहें कि हमारे पास एक डिजीज़ को, एक डिजीज़ के होने के, ठीक है, नंबर ऑफ़ न्यू केसेस इतने आए हैं हमारे पास, कि नंबर ऑफ़ न्यू केसेस इतने पर्संस हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यू केसेस बन के आए हैं, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ पीपल जितने होंगे उस डिज़ीज़ को, जो रिस्क फैक्टर पे होंगे, जो मतलब जिनको वो डिज़ीज़ हो सकती है, जो रिस्क फैक्टर के अंडर होंगे, वो सारे पीपल उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे इंसिडेंस। ओके, और नेक्स्ट चीज़ हमने हमारे पास था प्रिवलेंस। प्रिवलेंस क्या होगा, नंबर ऑफ केसेस, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो हमने इंसिडेंस किया, इंसिडेंस क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ न्यू केसेस, जितने भी हमारे पास न्यू केसेस आए हैं, ठीक है, अगर किसी को कोई डिजीज़ है 20 years back किसी को कोई डिजीज़ हुई, तो वो उसमें कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ न्यू केसेस चाहिए इस गिवन। अगर हम कहें कि लास्ट वन ईयर में कितने बंदे को डिजीज़ हुई, तो वहाँ पे जो न्यू केसेस होंगे उसमें सिर्फ वही कैलकुलेट होंगे, ठीक है, और जिसको पहले से वो डिजीज़ होगी वो कैलकुलेट नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीपल एट रिस्क, टोटल नंबर ऑफ पीपल एट, जो रिस्क फैक्टर पे कितने हैं, ठीक है, जिनको वो डिजीज़ होने के कितने चांसेस हों, जिनको वो डिजीज़ होने के चांसेस मिलते हैं, तो वो आ जाएंगे वहाँ पे डिनोमिनेटर में। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि अगर यहाँ पे इंसिडेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इंसिडेंस में अगर कोई किसी को डिजीज़, पुरानी डिजीज़ है पहले से, उस गिवन टाइम फ्रेम के पहले से, तो वो उसमें कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन प्रेवलेंस में क्या है कि अगर कोई भी नंबर ऑफ़ टोटल केसेस आएंगे यहाँ पे, अगर हम किसी डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ केसेस का मतलब चाहे वो उसको 20 साल पहले हो, चाहे वो उसको न्यू डिजीज़ हुई हो, चाहे वो न्यू केस हो, चाहे वो पुराना केस हो, तो वो उसमें काउंट होगा ही होगा। ओके, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पीपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है दोनों में डिफरेंस कि प्रेवलेंस क्या होता है और इंसिडेंस क्या होता है। तो बेसिकली इंसिडेंस क्या हुआ हमारे पास, जब हम इंसिडेंस की बात करते हैं, तो इंसिडेंस क्या हुआ हमारे पास, एक तरह से एक रेट है, ठीक है। रेट का मतलब क्या हुआ कि हाउ फास्ट, कितने मतलब कितनी जल्दी वो डिजीज़ जो है वो आगे फैल रही है, ठीक है। तो रेट का मतलब हुआ कि हाउ फास्ट द डिजीज़ इज़ हैपनिंग। ओके, तो इंसिडेंस क्या है, एक रेट है। और अगर हम प्रिवलेंस की बात करते हैं, तो प्रिवलेंस क्या है, प्रिवलेंस क्या है, एक प्रोपोर्शन है, क्योंकि वहाँ पर हम सिंपल रेशियो निकाल रहे हैं, तो प्रोपोर्शन है, तो वहाँ पे हम सिंपल परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो वो परसेंटेज बताएगा एक तरह से कि कितने पीपल जो हैं वो कितने केसेस हैं हमारे पास, अपॉन में कितने पीपल हैं, ठीक है। तो वो एक परसेंटेज प्रोपोर्शन बताएगा, और इंसिडेंस जो है वो एक रेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि इंसिडेंस और प्रिवलेंस क्या होता है। अभी जैसा हमने किया कि इंसिडेंस क्या होगा हमारा, इंसिडेंस क्या होगा, एक रेट होगा, इंसिडेंस एक रेट होगा।
रेट होगा, तो इसका मतलब क्या है, हम ये पता करेंगे उसमें कि हाउ फास्ट द डिजीज इज़ हैपनिंग, हाउ फास्ट समथिंग इज़ हैपनिंग. तो इसका मतलब ये क्या रिस्क फैक्टर बताएगा हमको कि हाउ फास्ट द डिजीज इज़ हैपनिंग, ठीक है. और प्रिवलेंस हमने किया कि क्या होगा, एक प्रोपोर्शन होगा, प्रोपोर्शन होगा तो इसका मतलब ये हमें बताएगा हाउ मच, ठीक है, हाउ मच द डिजीज इज हैपनिंग, ठीक है. तो ये बताएगा हमें बर्डन ऑफ डिजीज़ कि कितना बर्डन बताएगा कि कितना डिजीज़ का कितना फैल रही है, कितना हाउ मच से ये डिनोट करेगा कि कितनी डिजीज़ है, मतलब कितना एक पॉपुलेशन में कितने बंदों को वो बीमारी है, ठीक है. हाउ मच मतलब नंबर ऑफ पीपल बताएगा. और इंसिडेंस रेट है तो ये बताएगा कि कितनी जल्दी कितनी तेज़ी से वो डिजीज़ फैल रही है, ठीक है. सो इंसिडेंस क्या होगा कि कितनी तेज़ी से कोई डिजीज़ फैली, और प्रिवेलेंस क्या होगा कितने बंदों में वो डिजीज़ फैली, ठीक है. तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि इंसिडेंस और प्रिवेलेंस. इंसिडेंस जो है वो रेट है, तो ये हमें हाउ फास्ट बताएगा कि कितनी तेज़ी से कोई डिजीज़ जो है वो फैलती जा रही है, और प्रिवेलेंस ये बताएगा कि कितने बंदों में वो डिजीज़ फैली, ठीक है. सो ये ध्यान में रखना है आपको. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन व्हाट इज इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ओके, तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा इंसिडेंस और प्रिवेलेंस क्या बनता है, ठीक है. सो जैसे कि हमने कहा कि इंसिडेंस क्या होगा, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ पहले यहाँ पे. इंसिडेंस क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल, न्यू केसेस अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क, ठीक है, जिस जिसको डिजीज़ हो सकती है एट रिस्क. और प्रिवेलेंस में क्या होगा हमारे पास, प्रिवेलेंस क्या आएगी हमारे पास कि नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस जितने होंगे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है. अब यहाँ पे हम ईयर वाइज स्टडी कर रहे हैं कोई, ठीक है, ये हमने ईयर वाइज स्टडी की, 10 ईयर की स्टडी है हमारे पास, ठीक है. 10 ईयर की स्टडी में हमने कैंसर का वो देखना है कि कैंसर कितने, इंसिडेंस ऑफ कैंसर और प्रिवेलेंस ऑफ कैंसर कितना निकल के आता है, ठीक है. तो हमने इंसिडेंस और प्रिवेलेंस देखना है, तो हम एक स्टडी लेके चलते हैं जिसमें हम कुछ पेशेंट्स ले लेते हैं कि एक पेशेंट को इस स्टडी में कैंसर हुआ और वो इस स्टेज पे आके एक्सपायर हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग द स्टडी. एक पर्सन को यहाँ से कैंसर स्टार्ट हुआ इस स्टेज पे और वो यहाँ पे आके उसकी डेथ हो गई, ठीक है. एक हम लेते हैं एक पर्सन को यहाँ पे कैंसर हुआ और वो इस स्टडी में ही एक्सपायर हो गया, ठीक है. एक बंदे को पहले से कैंसर था और वो ड्यूरिंग द स्टडी एक्सपायर हुआ, ठीक है. एक पर्सन को इस स्टडी के बाद कैंसर हुआ और वो बाद में ही एक्सपायर हुआ, ठीक है. एक पर्सन को यहाँ से कैंसर हुआ लेकिन वो अभी भी चल रहा है, मतलब एक्सपायर वो स्टडी में नहीं हुआ, ठीक है. एक पर्सन को कैंसर हुआ और वो पहले ही स्टडी से पहले ही एक्सपायर हो गया, और एक पर्सन को बिल्कुल भी कैंसर स्टडी के दौरान हुआ ही नहीं, ठीक है. तो ये हमने केसेस लिए, ठीक है. तो ये हमारे पास पर्सन थे, तो ये हमने स्टडी की कि हमारे पास 10 ईयर में इतने ऐसे ऐसे बंदे आए जिनको स्टडी करते टाइम भी कैंसर हो सका, जिसको स्टडी के टाइम कैंसर हुआ और वो स्टडी के विद इन द स्टडी ही डाई कर गए, ठीक है. तो अब हमें ये देखना है कि इसमें इंसिडेंस रेट क्या होगा और प्रिवेलेंस क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ हमें अब देखनी है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंसिडेंस हमने बताया कि अगर हम कोई गिवन टाइम फ्रेम ले रहे हैं, ठीक है, अब हमने गिवन टाइम फ्रेम लिया ये 10 ईयर की स्टडी. अब इस 10 ईयर की स्टडी में हमको ये देखना है कि हमारा इंसिडेंस रेट कितना बनेगा,
ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ न्यू केसेस देखने हैं सबसे पहले। तो सो नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने बनेंगे, ऐसे केसेस जो जो इस स्टडी में ही हुए हों। ठीक है, अब ये वाला फर्स्ट पर्सन जो था, इसको हमने स्टडी के दौरान ही हमारा कैंसर हुआ इसको। ठीक है, जब हमने स्टडी स्टार्ट करी तभी इसको न्यू केस यही अपीयर हुआ हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट केस ये हो गया हमारा। अब ये जो सेकेंड पर्सन है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि इसको भी कैंसर हुआ और हमारी स्टडी के दौरान ही हुआ। ठीक है, तो इसको भी कैंसर हुआ तो ये भी काउंट होगा। थर्ड पर्सन जो है ये भी काउंट होगा, क्योंकि इसको भी हमारा कैंसर की स्टडी जो हमारी स्टडी के दौरान ही इसको कैंसर हुआ। ठीक है, तो ये भी काउंट होगा। लेकिन ये जो फोर्थ पर्सन आप देख रहे हो, इसको इसको क्या स्टडी के बाद हुआ। ठीक है, तो हमारा न्यू केस तो नहीं रहा ये। ठीक है, तो इसमें ये वाला काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको कैंसर हुआ तो है लेकिन हमारी स्टडी के बाद हुआ है। ठीक है, तो न्यू केस नहीं हुआ ये हमारे लिए, क्योंकि हमने सिर्फ 0 to 10 में ही देखना है कि यहाँ यहाँ पे कौन कौन से न्यू केसेस अराइव हुए हैं। ठीक है, अराइज हुए हैं, तो यहाँ पे ये केस हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसको बाद में हुआ स्टडी के हमारे। ऐसे ही ये वाला आप केस देखोगे तो ये वाला भी, इसको कैंसर तो था हमारी स्टडी के दौरान, ये डेथ हुई है इसकी, लेकिन इसको न्यू केस तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि न्यू केस नहीं है ये, पुराना केस है। तो यहाँ पे ये हमारी स्टडी से पहले ही इसको कैंसर था। ठीक है, तो हमारी स्टडी से पहले इसको कैंसर था और ये हमारी स्टडी के दौरान डेथ हुई है इसकी, तो ये वाला केस अराइज न्यू नहीं होगा हमारे लिए। ठीक है, अब न्यू केस और कौन सा होगा? अब ये वाला केस अगर हम देखते हैं, ठीक है, अब इसको कैंसर हुआ है लेकिन इसकी डेथ नहीं हुई है, ये अभी चल रहा है। ठीक है, इसकी डेथ नहीं हुई लेकिन ये चल रहा है, कैंसर तो हुआ है इसको, तो न्यू केस आ जाएगा ये। ठीक है, तो न्यू केस हमारा ये वाला न्यू केस हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको देखें तो ये भी डेथ हो ली है इसकी, और ये पहले से ही इसको कैंसर था और हमारी स्टडी से पहले ही इसकी डेथ हो गई, तो ये वाला न्यू केस नहीं होगा हमारे लिए। और ये जो पर्सन है, इसको कैंसर हुआ ही नहीं, तो ये हमारा न्यू केस तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारे टोटल केसेस हमारे पास कितने आए, जो हमारे न्यू केसेस हैं ये कितने बने हमारे पास? 1 ये वाला, 2, 3 और एक ये जिसको कैंसर हुआ लेकिन वो डेथ नहीं हुई उसकी। तो ये 4 केसेस हमारे पास टोटल न्यू केस हो जाएंगे, जो जो हमारी स्टडी में न्यू केस आए हैं। अब अगर हम देखते हैं, ये तो था हमारा 4 इसके लिए कि हमारी स्टडी में कौन से न्यू केसेस हैं। ठीक है, न्यू केसेस आ गए। अब हमें ये देखना है कि टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 4। अब हमें ये चेकआउट करना है कि पर्सन एट रिस्क कितने हैं, टोटल केसेस एट रिस्क। अब रिस्क के केस में हमें ये देखना है कि कितने केसेस में जो है वो कैंसर होने की रिस्क था, रिस्क फैक्टर था, कितने में कैंसर होने की संभावना भी थी। ठीक है, तो अब इसको तो था ही, तो ये तो रिस्क फैक्टर में आएगा ही। ठीक है, क्योंकि ये तो न्यू केस है ही हमारे पास। ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा क्योंकि इसको भी कैंसर तो है ही है हमारे पास, तो रिस्क में तो है ये। ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको भी कैंसर है तो रिस्क फैक्टर में तो ये होगा ही, क्योंकि कैंसर तो है इसको। अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये रिस्क में नहीं होगा, क्योंकि इसको हमारे, अगर हम इसको देखें, अब इसको देखो, अगर आप ये वाला केस, अब ये हो चुका है, इसको कैंसर पहले से ही हो चुका है, तो और इसकी डेथ भी हमारी स्टडी डेथ हमारी स्टडी के दौरान हो चुकी है, तो ये वाला हमारा रिस्क फैक्टर में नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, लेकिन अगर जब हम इसको देखते हैं, अब अगर हम इसको देखें तो ये वाला पर्सन जो है वो यहाँ से यहाँ तक रिस्क फैक्टर में काउंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके लिए, इसको कैंसर होने की संभावना तो हो सकती है कि यहाँ से यहाँ पे बाई चांस वो नहीं हुआ इसको कैंसर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसमें इंक्लूड हो सकता है कि रिस्क रिस्क में आएगा कि हाँ इसको कैंसर हो सकता था इस टाइम पे वो, तो इसका लक है कि नहीं हुआ इसको कैंसर, हमारी स्टडी के बाद हुआ, लेकिन रिस्क फैक्टर में ये काउंट होगा हमारे लिए। ठीक है, ऐसे ही ये वाला तो इसको पहले से ही कैंसर हो गया, तो ये वाला तो पहले से ही उसमें चला गया रिस्क फैक्टर में। ठीक है, क्योंकि इसको ऑलरेडी कैंसर हो चुका है। और ये वाला जो पर्सन है, ये तो पहले ही हमारी स्टडी से पहले ही डेथ हो चुकी है इसकी, तो ये वाला रिस्क फैक्टर में काउंट नहीं होगा। और ऐसे ही ये वाला जो पर्सन है, इसको भी बाई चांस अभी कैंसर नहीं हुआ, लेकिन रिस्क फैक्टर में ये भी रहेगा, क्योंकि इसको भी कैंसर हो सकता था हमारी स्टडी के दौरान। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर में क्या होगा, जो जो पर्सन
में संभावना होगी कि हाँ ये हमारी स्टडी के दौरान इस टाइम पीरियड के दौरान इसको वो डिजीज़ अकर कर सकती थी, वो बाय चांस नहीं करी वो अलग बात है, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर में वो आएगा जिसको हम ये कहें कि हाँ इस स्टडी के दौरान इसमें ये बीमारी हो सकती थी लेकिन वो बाय लक बाय चांस नहीं हुई इसको, तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे काउंट करेंगे हम इसको भी और इसको भी। तो ये टोटल केसेस कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 4/6। तो ये हमारा इसका इंसिडेंस रेट हो जाएगा कि 4/6 जो है वो इंसिडेंस रेट आया कि हाउ फास्ट, कितनी तेज़ी से वो कैंसर जो है वो इन पर्सन में फैला। ठीक है, तो ये हमारा होगा इंसिडेंस रेट, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पर्संस न्यू नंबर ऑफ न्यू केसेस अपॉन में नंबर ऑफ पर्सन एट रिस्क ड्यूरिंग द गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान कितने पर्सन में ये डिजीज़ हुई, तो ये हम इंसिडेंस रेट से पता लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम प्रिवलेंस की। इसी एग्जांपल में देखिए, प्रिवलेंस रेट को अगर हमने पता लगाना है कि प्रिवलेंस रेट कितना है, तो उसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे कि प्रिवलेंस कैसे फाइंड करेंगे हम। ठीक है, प्रिवलेंस बताना है अब हमको, तो प्रिवलेंस कैसे निकलेगा। प्रिवलेंस क्या होगा, नंबर ऑफ केसेस टोटल, सॉरी नंबर ऑफ केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन एट दैट टाइम। ठीक है, तो जब भी हम प्रिवलेंस की बात करते हैं तो प्रिवलेंस हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे बताते हैं। अब जैसे मेरे को इस टाइम फ्रेम पे बताना है कि फोर्थ ईयर पे मैंने एक टाइम ले लिया, एक पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम ले लिया मैंने कि इस पॉइंट पे मुझे प्रिवलेंस रेट पता करना है कि प्रिवलेंस रेट इस टाइम पे कितना था। ठीक है, तो इस टाइम पे प्रिवलेंस रेट बताना है मुझे, तो मैं कैसे पता करेंगे हम। अब जब प्रिवलेंस रेट में आएगा तो नंबर ऑफ़ केसेस देखने हैं, सिंपली हमें नंबर ऑफ़ केसेस देखनी है। तो नंबर ऑफ़ केसेस का मतलब क्या हुआ कि एक तो ये वाला केस हो गया क्योंकि इसको ऑलरेडी कैंसर था, हमारी स्टडी के दौरान इसको कैंसर था। ठीक है, एक ये वाला केस हो गया, इसको भी हमारी स्टडी के दौरान कैंसर हुआ और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी इसको कैंसर है। ऐसे ही थर्ड वाला केस ये हो जाएगा, इसको भी हमारी स्टडी के दौरान कैंसर है। ठीक है, और एक ये वाला केस हो जाएगा, इसको भी हमारी स्टडी के दौरान कैंसर है। तो ये कितने केसेस हो गए, टोटल 4। ठीक है, तो 4 केसेस हो गए हमारे पास अपॉन में टोटल केसेस कितने हैं। और ये वाला जब हम इसकी बात करें, ये तो हमारा आउट ऑफ स्टडी है क्योंकि स्टडी के पहले के हैं ये। ठीक है, तो स्टडी के पहले के हैं तो ये आउट ऑफ, और ये स्टडी के बाद का है, तो आउट ऑफ स्टडी वाला इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि मुझे इस पीरियड, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालना है, जो जो इस पॉइंट ऑफ टाइम में कवर होगा वो उसमें आएगा। और जब हम लास्ट की बात करें, इसको तो कैंसर हुआ ही नहीं। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर पे है कि हो सकता है, तो ये इसमें काउंट होगा, और ये क्योंकि इसको है नहीं कैंसर तो इसलिए हम केसेस नहीं ले सकते इसको। ठीक है, तो ये 4 केसेस ये बने, और टोटल नंबर ऑफ केसेस जिनको कैंसर है, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम, तो ये क्या हो जाएंगे, 1, एक तो यही, एक सेकेंड वाला ये, थर्ड वाला ये। अब यहाँ पे हम देखें तो इसको इस टाइम पे हो सकता था कैंसर, है ना, तो ये वाला भी इसमें काउंट होगा। ठीक है, एक ये वाला काउंट हो जाएगा जो फिफ्थ वाला पर्सन है, और ये वाली स्टडी जब हम करें, ये आउट ऑफ स्टडी है और इनकी डेथ हो चुकी है, तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस में काउंट नहीं होगा। ऐसे ही जो लास्ट वाला केस है वो वाला काउंट हो जाएगा क्योंकि उसको कैंसर है नहीं, लेकिन वो टोटल केसेस में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कि ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4/6, तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 6। ठीक है, तो ये बाई चांस है कि हमारा इंसिडेंस और प्रिवलेंस दोनों केसेस में 4/6 आया, लेकिन आपको हर एक अलग एग्जांपल में, किसी और एग्जांपल में इसको अलग अलग रेट मिल सकते हैं, आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये बाई चांस है जो हमारा सेम वैल्यू आई है, 4/6 दोनों की, तो ये हर बार सेम नहीं होगी, किसी केस में बाय चांस हो सकता है कि सेम आ जाए, लेकिन ये हर बार सेम नहीं होते हैं। इंसिडेंस और प्रिवेलेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आई होप इस एग्जांपल से आपको कुछ समझ आया होगा कि हमारा इंसिडेंस में क्या लेते हैं। इंसिडेंस में सिर्फ हम लेंगे जो हमारी स्टडी के दौरान न्यू केसेस हमारे पास आए हैं, और अपॉन में जितने पर्सन होंगे एट रिस्क पे। ठीक है, और प्रिवेलेंस में हम वो केसेस लेंगे जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, अब प्रिवलेंस में नंबर ऑफ केसेस लेंगे, चाहे उसको वो 20 साल पहले हो वो बीमारी, चाहे वो स्टडी के दौरान हुई हो, तो वो वाले केसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे केसेस बनेंगे।
तो अब चलते हैं इसकी थ्योरी पे कि इंसिडेंस और प्रेवलेंस क्या होता है। सो इंसिडेंस क्या होगा? इंसिडेंस इज द नंबर ऑफ न्यू इवेंट्स अराइजिंग विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। द वर्ड इंसिडेंस यूजुअली डिनोट द इंसिडेंस रेट। वही बात हुई कि हमने किया था, इंसिडेंस क्या होता है? नंबर ऑफ न्यू केसेस या नंबर ऑफ न्यू इवेंट्स अराइजिंग विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब जैसे हमने 0 to 10 की स्टडी ली थी, सो उस 10 ईयर में कितना हमारे पास कितने न्यू केसेस अराइव किए थे वो वाले हमने काउंट किया था उनको। ठीक है, तो इंसिडेंस रेट इज़ द रेट एट विच न्यू इवेंट्स अकर इन अ पॉपुलेशन। द न्यूमरेटर इज़ द नंबर ऑफ न्यू इवेंट्स अराइजिंग इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एंड द डिनोमिनेटर इज़ द पॉपुलेशन एट रिस्क ऑफ एन इवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, समटाइम्स एक्सप्रेस्ड एज पर्सन टाइम। इसको हम पर्सन टाइम भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, इंसिडेंस हमारे पास इंसिडेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू केसेस जो हमने किया, नंबर ऑफ न्यू केसेस अपॉन में नंबर ऑफ पर्सन एट रिस्क। ठीक है, रिस्क पे कितने हैं और हमारे पास न्यू केसेस कितने हैं। तो इंसिडेंस हमने बताया कि एक रेट है, रेट हमेशा क्या बताएगा कि हाउ फास्ट द डिजीज इज हैपनिंग। ठीक है, तो हाउ फास्ट का आंसर देगा कि कितनी जल्दी कितनी तेज़ी से डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हो रही है अमंग इंडिविजुअल्स। ओके, सो ऑब्जर्व्ड एनुअल इंसिडेंस ऑफ एक्स इज देयरफॉर द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ एक्स डायग्नोस्ड इन अ गिवन पॉपुलेशन ओवर अ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क ऑफ एक्स ड्यूरिंग दैट ईयर। ओके, तो वही बात हुई कि एनुअल इंसिडेंस अगर हम दे रहे हैं तो पूरे साल की लेके चलेंगे, तो पूरे साल के एंड में हम देखेंगे एनुअली कि नंबर ऑफ न्यू केसेस हमारे पास उस ईयर में हमारे पास नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने आए, और साथ में डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट ईयर। उसी ईयर में नंबर ऑफ पर्सन एट रिस्क कितने थे और न्यू केसेस हमारे पास कितने अराइज हुए, तो वो हम उसको डिविजन दे देंगे। ठीक है, द यूज़ ऑफ पर्सन टाइम एज अपोज टू जस्ट टाइम एनेबल्स यू टू हैंडल सिचुएशंस वेयर देर आर ड्रॉप आउट्स इन द स्टडी और वेयर यू हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो द एंटायर कोहोर्ट एट रिस्क टू वॉच फॉर द इवेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो पर्सन टाइम और सिंपली टाइम, अगर हम पर्सन टाइम की बात करें, पर्सन टाइम और सिंपली टाइम में क्या डिफरेंस होगा? पर्सन टाइम आपको ये हेल्प करेगा, पर्सन टाइम आपको ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने में हेल्प करेगा जहाँ पे ड्रॉपआउट्स हों, जिस केसेस में ड्रॉपआउट्स मिले आपको, मतलब स्टडी के दौरान या तो जैसे एक पर्सन था उसकी आपने स्टडी करी, ठीक है, या तो वो ड्रॉप आउट, या तो वो उसकी डेथ हो जाए या फिर वो कहीं और चला जाए, जैसे अब कहीं एब्रॉड में अपना एब्रॉड से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ले आप, ठीक है, तो यहाँ पे वो एब्रॉड या तो चला गया, ट्रीटमेंट उसने छोड़ दी या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो इस केसेस में आपको ड्रॉप पर्सन टाइम हेल्प करेगा ज़्यादा। ठीक है, एज अपोज टू सिंपली टाइम। ठीक है, सो यूजिंग पर्सन टाइम कैलकुलेशंस द फॉलो अप पीरियड डज नॉट हैव to be the same for all individuals studied. Person time for a group is sum of times follow up for each participant in that group. Person times की calculation कैसे होंगी हमारे पास? Person time का मतलब क्या होगा कि अगर आप, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप हर एक individual को same follow up दे रहे हो, ठीक है, same periods पे आपने उसकी study करी है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर person time, अगर आप अलग अलग आपके पास पेशेंट्स हैं, आपने एक पेशेंट्स को सपोज 20 मंथ दिए, एक पर्सन को 12 मंथ्स दिए, एक को 5 मंथ्स दिए, एक को 2 मंथ्स दिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारा को ऐड अगर आप करते हो तो वो आपका टोटल पर्सन टाइम बनेगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल द टाइम्स फॉलो अप फॉर ईच पार्टिसिपेंट इन दैट ग्रुप, तो ये हमारे पास फॉलो अप हो जाएगा, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो वो आपका फॉलो अप टाइम बनेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज प्रिवलेंस। प्रिवलेंस हमने किया कि प्रिवलेंस क्या होगा, नंबर ऑफ केसेस अपॉन में टोटल पीपल, टोटल पर्सन। ठीक है, तो
केसेस अपॉन में टोटल, तो ये हमने बताया था कि ये हमें क्या बताएगा कि अगर ये प्रोपोर्शन बताएगा हमें, ठीक है, प्रोपोर्शन बताएगा। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, हाउ मच, हाउ मच का मतलब क्या है कि कितने पर्सन को वो डिजीज़ हुई, ठीक है, कितने पर्सन उस डिजीज़ से इफ़ेक्टेड हुए, तो ये हमें हाउ मच का आंसर देगा कि कितने पर्सन, या फिर हमें परसेंटेज का आंसर देगा कि कितने परसेंट पीपल में वो डिजीज़ फैली है, ठीक है। तो प्रेवलेंस इज द नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ पॉपुलेशन एट डिजिग्नेटेड टाइम। द वर्ड प्रेवलेंस यूजुअली डिनोट पॉइंट प्रेवलेंस रेशियो। प्रेवलेंस क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स का मतलब चाहे वो कोई पुराना इवेंट हो, चाहे वो नया इवेंट हो, चाहे वो बाद में हुआ हो, तो नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएगा हमारे पास। तो प्रेवलेंस क्या होगा हमारे पास, एक रेशियो बताएगा, एक प्रोपोर्शन बताएगा, ठीक है। पॉइंट आप इसको पॉइंट प्रेवलेंस से भी मेजर कर सकते हो, पीरियड प्रेवलेंस से भी। पॉइंट प्रेवलेंस जैसे कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बता दो, कि जैसे अभी हमने एग्जांपल में किया था कि हमने फोर्थ ईयर में हमने चेकअप किया था, तो वहाँ पे हमने पॉइंट प्रेवलेंस निकाला था। पीरियड प्रेवलेंस क्या होगा कि अगर आप 0 to 10 पूरे ईयर में स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो वो पीरियड प्रेवलेंस बन जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट प्रेवलेंस क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन विद अ डिजीज़ और एट्रीब्यूट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नंबर ऑफ पर्सन होंगे जो उस डिजीज से सफर करेंगे। पॉइंट प्रेवलेंस रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज, पॉइंट प्रेवलेंस हमने बताया था कि पॉइंट प्रेवलेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेवलेंस का नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर्सन में कितने, उस डिजीज़ के कितने पेशेंट्स हैं, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, ठीक है। पीरियड प्रिवलेंस क्या बताएगा, पीरियड प्रिवलेंस हमें ये बताएगा कि स्पेसिफिक पीरियड के दौरान कितने पर्सन आए हैं, नंबर ऑफ पर्सन जिनमें वो डिजीज़ पाई गई, ठीक है। तो पीरियड प्रिवलेंस इज द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव हैड द डिजीज और एट्रीब्यूट एट एनी टाइम ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। पीरियड प्रिवलेंस में आपको स्पेसिफिक पीरियड के लिए बताना है, पॉइंट में आपको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे बताना है, ठीक है। सो पीरियड प्रिवलेंस इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज बिलो, बट इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली अ रेशियो, इट इज़ अ रेट, ठीक है। पीरियड प्रिवलेंस क्या होगा, एक रेट होगा, ठीक है, और पॉइंट प्रिवलेंस क्या होगा, एक रेशियो होगा। प्रिवलेंस रेशियो इज इक्वल टू द इंसिडेंस रेट मल्टीप्लाइड बाय द ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब हम ये एग्जांपल कर रहे थे, तो इस एग्जांपल में हमने प्रिवलेंस जब निकाला, तो प्रिवलेंस रेशियो क्या होगा हमारे पास, प्रिवलेंस में हम उसका ड्यूरेशन ऑफ द टाइम नोट करते हैं, ठीक है, प्रिवलेंस में कितने कितने टाइम तक उसको वो डिजीज़ रही। सो प्रिवलेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम प्रिवलेंस की बात करते हैं, तो प्रिवलेंस रेशियो क्या होगा, इंसिडेंस रेट मल्टीप्लाइड बाय द ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट, कितने टाइम तक उसमें वो डिजीज़ रही, ठीक है। इंसिडेंस मल्टीप्लाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू प्रिवलेंस, ये दोनों में रिलेशन हो गया कि इंसिडेंस, प्रिवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इंटू में उसकी ड्यूरेशन, कितने टाइम तक वो डिजीज़ रही है उस पर्सन को, ठीक है। तो प्रिवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इंटू में ड्यूरेशन, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब हम ये देखते हैं कि इंसिडेंस और प्रिवलेंस में रिलेशन क्या है। जैसा कि अभी हमने कहा कि प्रिवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इंटू में ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, ठीक है, ये तो है ही। सो एक और चीज़ जो हमें अभी पता चलेगी वो क्या है कि सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक कम्युनिटी है, हमने उसको एक बकेट से डिनोट किया है, ठीक है, या एक टब से हमने उसको डिनोट कर दिया, ओके। इस टब में यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास टैप लगी हुई है, ठीक है, और ये इसका ड्रेनेज सिस्टम है, ओके, यहाँ से हमारा पानी ड्रेन हो सकता है। और ये सपोज़ कीजिए ये जो आपको वाटर दिख रहा है, ये वाटर जो है हमारा प्रिवलेंस है, ठीक है,
ये वाटर हमारा प्रिवेलेंस, प्रिवेलेंस का मतलब क्या हुआ, अगर ये वाटर हमारा प्रिवेलेंस है तो प्रिवेलेंस जितना ज़्यादा होगा, प्रिवेलेंस का मतलब क्या है कि हाउ मच से आप इसको याद कर सकते हैं कि कितना, कितनों में वो डिजीज़ है, कितने पर्सन ऐसे हैं जिसमें वो डिजीज़ पाई गई। तो प्रिवेलेंस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा होंगे कि जिसमें वो डिजीज़ होगी। प्रिवेलेंस कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो कम है जिसमें वो डिजीज़ है। तो प्रिवेलेंस हमारे पास, ये जो वाटर है ये आपको प्रिवेलेंस दिखा रहा है कि इतना प्रिवेलेंस रेट है हमारे पास, मतलब इतने पेशेंट्स हैं हमारे पास जो उस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? अगर प्रिवेलेंस को कम करा जाए तो हम इसमें से पानी जो है वो ड्रेन कर सकते हैं। ठीक है, इस पानी को अगर हमने ड्रेन कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, अगर प्रिवेलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितना पहले था प्रिवेलेंस उससे कम हो जाएगा। तो हमारे पास ये, अगर सपोज़ ये हमारे पास पहले प्रिवेलेंस ये था, अब हमारा प्रिवेलेंस रेट कितना हो गया, इतना, जब हमने उसको ड्रेन कर दिया। ठीक है, पानी ड्रेन कर दिया तो हमारे पास ये हमारे पास प्रिवेलेंस हो गया। ठीक है, तो अब ड्रेन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिवेलेंस रेट कम हुआ है, ये है हमारा प्रिवेलेंस। ओके, प्रिवेलेंस हमारा कम हुआ तो इसका मतलब दो केसेस अराइज हुए हैं, या तो जो हमारे पेशेंट्स हैं या तो वो क्योर हो गए हैं उस डिजीज़ से या फिर वो डाई हो गए। ठीक है, कैसे? क्योंकि प्रिवेलेंस कम होने का मतलब क्या है कि हमारे जो पूरे उसमें पेशेंट्स थे वो बाहर निकल गए हैं। अब बाहर निकले हैं तो इसका मतलब क्या है, या तो वो बिल्कुल एक्सपायर होके निकले हैं या फिर वो कुछ उनमें से क्योर हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा, अगर हम मेन हमारा मकसद क्या होता है कि क्योर पे हमने ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मिनिमम पेशेंट्स जो हैं वो डेथ की ओर जाएं। ठीक है, तो क्योर हमारा बेसिक, हमारा मेन मकसद हमारा होता है कि हम किसी तरह उनको डिजीज़ फ्री कर सकें। अब डिजीज़ फ्री कैसे करेंगे, अगर आपके पास कोई सपोज़ कोई ड्रग है, उस मेडिसिन कोई मेडिसिन है आपके पास उस डिज़ीज़ को रोकने के लिए, तो हमारा क्या होगा अगर हम उसको ड्रग दे देते हैं, अगर हमने उस पेशेंट को ड्रग दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको डाई होने से तो बचा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि प्रिवेलेंस हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। कैसे इंक्रीज़ करें, क्योंकि वहाँ पे हमारा डेथ का जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ड्रग है तो हमारे पास डेथ की पॉसिबिलिटी कम हो रही है, लेकिन हम प्रिवेलेंस उसका इंक्रीज़ हो रहा है। प्रिवेलेंस इंक्रीज़ का मतलब कि कई पेशेंट्स हैं लेकिन अलाइव हैं। ठीक है, तो पेशेंट्स तो अलाइव हैं लेकिन वो बस डेथ की ओर नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो अलाइव हैं। ठीक है, ड्रग लेने के बाद, तो इसका मतलब प्रिवेलेंस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर ये फॉसेट है, ये टैप है हमारे पास, तो अगर इस टैप को हम ऑन कर देते हैं तो ये हमारा प्रिवेलेंस रेट था, इसमें से हम पानी ड्रेन कर रहे थे। ठीक है, तो या तो क्योर होना था या हमने डाई होना था। ठीक है, तो प्रिवेलेंस, अगर हम इस टैप को ऑन करते हैं तो यहाँ से पानी आएगा आपके पास। ठीक है, इस टैप को हमने ऑन किया तो प्रिवेलेंस रेट दोबारा से इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इसका जो वाटर लेवल है ये आगे ऊपर चला जाएगा, मतलब प्रिवेलेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और ये टैप आपको क्या शो करेगा, ये टैप में से जो पानी आ रहा है ये हमें बताएगा इंसिडेंस रेट, ये हमारा इंसिडेंस होगा। ठीक है, कि कितनी तेज़ी से वो पानी आ रहा है। अगर आप इस टैप को पूरी तरह से तोड़ देते हो तो सारा पानी निकल के आएगा, तेज़ी से आएगा। ठीक है, इस टैप को अगर आपने तोड़ दिया तो ये पानी जो है वो तेज़ी से निकल के आएगा, तो इसका मतलब कि काफ़ी इंसिडेंस रेट जो है हमारा कितना है, बहुत हाई है, क्योंकि जल्दी से फटाफट पेशेंट्स आ रहे हैं, फटाफट हमारा पानी आ रहा है उसमें, तो इसका मतलब क्या होगा कि पेशेंट्स जो हैं वो तेज़ी से आ रहे हैं, तो इसका मतलब इंसिडेंस रेट जो है वो हाई है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल स्लो कर देते हो टैप को, बिल्कुल थोड़ा सा ही खोलोगे तो पानी धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंस रेट आपका कम हुआ। ठीक है, तो प्रिवेलेंस बेसिकली क्या बना, यहीं से अब ये फॉर्मूला डेराइव होगा जो अभी हमने किया है, कि प्रिवेलेंस हमारे पास क्या होगा, प्रिवेलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू जितने टाइम के लिए वो पानी इस टब में रहा होगा इनटू ड्यूरेशन। क्योंकि अब जितने टाइम के लिए प्रिवेलेंस क्या होगा हमारे पास, ये प्रिवेलेंस बना है तो प्रिवेलेंस कितना होगा, जितना इंसिडेंस आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इंसिडेंस से ही हमारा प्रिवेलेंस इंक्रीज़ कर रहा है, सो इंसिडेंस हमने
ऑन कर दिया, जब ये टैप ऑन करी तो हमारा इंसिडेंस इस टब में गिरा, तो इंसिडेंस आया और वो जितने टाइम के लिए इस टब में रहा, क्योंकि फिर हम ड्रेन भी कर रहे हैं उसको, तो जितने टाइम के लिए वो इस टब में रहा इनटू में ड्यूरेशन हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो प्रिवेलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन यहाँ से भी आप क्लियर हुआ होगा आपको कि प्रिवेलेंस और इंसिडेंस में क्या रिलेशन है, क्योंकि प्रिवेलेंस इंक्रीज़ करने का मतलब है कि आपका इंसिडेंस अगर आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पे प्रिवेलेंस क्या होगा, प्रिवेलेंस जो है वो इंसिडेंस इनटू में ड्यूरेशन बताएगा कि कितने टाइम के लिए वो पानी आपका उस टब में रहा, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन बना, प्रिवेलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन, ओके। नाउ द सेकंड टॉपिक वी आर टेकिंग इज रिस्क। व्हाट इज रिस्क, ओके। सो रिस्क एज डिफाइंड बाय द पब्लिक हेल्थ प्लानिंग इज सिंपली, रिस्क मीन्स सिंपली अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहें तो रिस्क का मतलब होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी के होने की, किसी के चांसेस कितने हैं, ठीक है। सो रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ डिजीज और अदर हेल्थ आउटकम ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। अगर हम 1 ईयर की स्टडी कर रहे हैं तो 1 ईयर में उसको कितना चांसेस हैं उस डिजीज़ के अकर करने के, ओके। रिस्क इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर हु गॉट द डिजीज ड्यूरिंग द डिफाइंड पीरियड, मतलब नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ देयर वर 1000 बर्थ्स इन अ हेल्थ ज्यूरिस्डिक्शन इन 1 ईयर एंड 72 ऑफ दोज बेबीज वेड लेस दैन 2500 ग्राम्स, ठीक है। तो रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट कितना हो जाएगा, अगर हम लो बर्थ वेट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे उस कम्युनिटी में, 72, सॉरी मतलब लो बर्थ की लो वेट कितना था जिनका, 72 अपॉन में टोटल कितने थे 1000 बर्थ्स, तो 1000 72 अपॉन 1000 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, उसका रिस्क फैक्टर हो जाएगा, लो बर्थ रेट का वेट का रिस्क फैक्टर 72 अपॉन 1000, ओके। तो ये हमारा रिस्क बताएगा कि कितना रिस्क होगा हमें, ठीक है। तो सिंपली रिस्क इज़ अ प्रोबेबिलिटी, हम कह सकते हैं रिस्क इज़ अ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी है तो अगर हमारे पास कोई डिजीज़ है, ठीक है, इतने बंदों को वो डिजीज़ है, सपोज पाई ग्राफ से इसको समझते हैं, अगर इतने बंदों को वो डिजीज़ है तो, और ये हमारी टोटल कम्युनिटी है तो उसमें वो इंक्लूड होंगे, ठीक है, इतने बंदों को वो डिजीज़ थी तो वो डिजीज़ वाले भी उसमें इंक्लूड होंगे, और साथ में और जो बिना डिजीज़ वाले हैं वो तो होंगे ही, और साथ में जो डिजीज़ वाले हैं वो भी उसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिस्क फैक्टर बताएगा, रिस्क बताएगा कि प्रोबेबिलिटी सिंपली जितनों को वो डिजीज़ है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। तो ये हमें रिस्क फैक्टर बताएगा। हाउएवर वी सेल्डम rely on a single risk calculation, most often we are interested in comparing the occurrence or prevalence of a health condition or problem in two groups, one who experience a risk factor or condition referred to as exposed. अब हम क्या करते हैं, जब हमें कुछ compare करना होता है, जब हमें comparison करना होता है, ठीक है, या prevalence निकालना होता है किसी चीज़ का, तो हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड ग्रुप्स लेते हैं। एक्सपोज्ड ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ कि जो ऐसे केसेस जिनको हम कुछ ड्रग दे के कंट्रोल कर रखा है हमने, किसी डिजीज़ को किसी ड्रग हमने दे रखा है, और अनएक्सपोज्ड कौन से होंगे, ऐसे केसेस जो बिना ड्रग के ही बिना ड्रग के चल रहे हैं उस डिजीज़ के साथ, ठीक है। तो एक्सपोज्ड कौन से होंगे, जो ड्रग के साथ वो डिजीज़ को क्योर कर रहे हैं, और अनएक्सपोज्ड ऐसे होंगे जो बिना डिजीज़ के चल रहे हैं, ठीक है। दिस अलाउज अस टू डिटरमिन वेदर अ पर्टिकुलर एक्सपोजर डज रिप्रेजेंट अ रिस्क एंड इफ सो हाउ बिग अ रिस्क इज, ठीक है। तो एक्सपोजर यह हमें ये बताएगा कि एक्सपोजर जो है वो रिस्क को कंट्रोल कर भी रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो कितना बिग रिस्क पे हैं हम, मतलब कितने चांसेस हैं रिस्क के, मतलब कितना एक तरह से वैल्यू कितनी हो सकती है रिस्क की, कितना ज़्यादा रिस्क होगा या कितना कम रिस्क होगा, ठीक है, ये हमें पता लगाना होता है।
When conducting a risk analysis, epidemiologists generally begin by constructing a 2x2 table. अभी हम टेबल करेंगे, उसमें पता चलेगा हमें कि रिस्क कैसे बताएंगे. वेयर ए रिप्रेजेंट्स दोज हु इन एक्सपोज पॉपुलेशन हु एक्सपीरियंस द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, जो हम डिजीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं उनको वो डिजीज़ है और एक्सपोज है, मतलब ड्रग के साथ काम कर रहे हैं. और बी दोज इज द एक्सपोज पॉपुलेशन हु डिड नॉट एक्सपीरियंस दैट आउटकम. ठीक है, बी पर्सन ऐसे हैं जो जिनमें वो डिजीज़ नहीं है. एंड इन दिस केस रिस्क ऑफ एक्सपोजर इज एक्सप्रेस्ड एज ए अपॉन ए प्लस बी. कन्वर्सली द रिस्क फॉर दोज हु नॉट एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर वुड बी सी अपॉन सी प्लस डी. कैसे, अभी देखिए ये टेबल आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे हमने लिया है कोई डिजीज़, ये जो आपको हॉरिजॉन्टली दिख रहा है ये हमारे पास डिजीज़ है, येस और नो, मतलब कितने पर्सन में वो डिजीज़ है और कितनों में नहीं है. तो ऐसे पर्सन जो एक्सपोजर, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सपोजर प्लेस टाइम पर्सन और टाइम. ठीक है, तो जो ड्रग लेके डिजीज़ के साथ हैं वो हैं ए पर्सन. ठीक है, जिन्होंने ड्रग ले रखा है और उनको डिजीज़ नहीं है वो कितने हैं, बी. ठीक है, एक्सपोजर जिनका नहीं है वो और जिनको वो डिजीज़ है वो कितने हैं, सी पर्सन. और जिनके पास ना ही एक्सपोजर है और ना ही डिजीज़ है वो हैं हमारे पास डी, नंबर ऑफ पर्सन्स. ठीक है, तो रिस्क क्या होगा हमारे पास अगर हम एक्सपोजर की बात करते हैं. एक्सपोजर से अगर हमें निकालना है तो वो क्या होगा, ए अपॉन ए प्लस बी टोटल नंबर. ठीक है, और अगर हमने एक्सपोजर नहीं है फिर उनका निकालना है तो सी अपॉन सी प्लस डी. ठीक है, सी अपॉन सी प्लस डी, तो ये आपका रिस्क फैक्टर हो जाएगा. ठीक है, द रिस्क कैन वेरी फ्रॉम 0 to 1 इन द केस ऑफ रिस्क फैक्टर. अगर आपकी रिस्क की वैल्यू, ये जो आपने कैलकुलेट कराई है, अगर 0 to 1 में आता है, 0 to 1 के बीच में आपकी वैल्यू अगर कोई आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रिस्क बहुत ही ज़्यादा, रिस्क फैक्टर हाई है. ठीक है, और अगर आपका रिस्क की वैल्यू जो है वो -1 to 0 के बीच में आती है, -1 to 0, तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रोटेक्टिव में हो, प्रोटेक्टिव केस है, तो इसका मतलब आपका रिस्क जो है वो लो वैल्यू होगी. ठीक है, तो लो रिस्क पे हैं आप. ठीक है, तो अगर आपकी रिस्क की वैल्यू, अब जैसे आपने ये एग्जांपल किया था यहाँ पे 7.2, ठीक है, तो ये आपके 0.072 आया था, तो 0 to 1 के बीच में आया था, क्योंकि रिस्क क्या है, प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी है तो वो रहेगा तो 0 to 1 के बीच में ही. ठीक है, प्रोबेबिलिटी है तो 0 to 1 के बीच में रहेगी. ठीक है, अगर वो नेगेटिव आ जाती है, 0 से लो आती है, तो इसका मतलब क्या है कि आप रिस्क जो है वो बहुत ही लो है. ठीक है, लो फैक्टर है आपका, तो प्रोटेक्टिव केस में आ जाते हैं आप वहाँ पे. ठीक है, तो आप यहाँ पे आपके कितना आया था, 0.072, तो इसका मतलब हाई रिस्क पे थे आप. ठीक है, तो ये था रिस्क क्या होता है. तो अगली वीडियो में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कि हमारा रिलेटिव रिस्क क्या होता है एंड इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे और इनके कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकाले जाते हैं. आई होप आज का ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राधे राधे.